सो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने कोऑर्डिनेट्स को, जो आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप वो अपनी स्क्रीन पे इजीली कैसे शो कर सकते हैं, मतलब विदाउट प्रेसिंग F3। F3 प्रेस के बिना आप कैसे अपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स शो कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपकी जब भी आप कभी एक्सप्लोर करते हैं, मतलब माइनक्राफ्ट में कहीं भी जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, नेदर में जाते हैं या फिर अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर होता है कोऑर्डिनेट आपका। और बार बार आपको F3 प्रेस करके आपको ओपन करना, वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो उसी के लिए मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करके कोऑर्डिनेट्स आपको आपके शो होंगे। जस्ट बहुत इजी तरीका है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड ना कोई कमांड की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। जस्ट एक फाइल को आपको अपने वर्ल्ड फोल्डर में अपलोड करना है, एंड देन आपके कोऑर्डिनेट्स आपके स्क्रीन पे ऑलवेज शो करेंगे। जस्ट कोऑर्डिनेट्स, ओनली कोऑर्डिनेट्स एंड डेज, आपने कितना डेज अपने माइनक्राफ्ट में स्पेंड किया है वो चीज़ आपकी शो करेगी। तो अब मैं आपको भी दिखाता हूँ, वीडियो में आगे चलते हैं, आपको देख लीजिए, खुद देख लीजिए आप, जो मेरे अभी खुद के वर्ल्ड में अभी चल रहा है उसमें कैसे कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं। और थंबनेल में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप मैंने थंबनेल में दिखाया है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे शो हो रहे हैं नीचे, तो मेरे जो नीचे कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं, एक्स वाई जेड जो शो हो रहा है, एंड डे, मुझे कितना डे हो गया है इसमें माइनक्राफ्ट में, कितना डे मैं स्पेंड कर चुका हूँ, 78 डे में स्पेंड कर चुका हूँ इसमें माइनक्राफ्ट में। तो ये सब आपके इजीली, तो इससे क्या होता है कि आपको हेल्प हो जाती है कि आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी एक्सप्लोर करते हैं, तो आप इजीली अपने घर के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, तो अपने घर इजीली पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारी जगह गया हूँ तो मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स से याद है, तो मैं अपने घर इजीली पहुंच जाता हूँ इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर ऑलवेज शो करता है, तो मुझे बार बार F3 प्रेस करके देखना नहीं पड़ता ऊपर की, F3 करके प्रेस करके देखो कि मतलब कहाँ मैं जा रहा हूँ कहाँ नहीं। F3 प्रेस करने के बाद ये होता है कि बहुत सारी चीज़ ओपन होती है, तो ये थोड़ा मैसी हो जाता है विंडो, मतलब आपकी स्क्रीन पे इतनी सारी चीज़ें खुल रखी हैं, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, अजीब सा लगता है देखने में भी, अगर आप स्ट्रीम भी करते हो तो उस चीज़ के लिए, या फिर नॉर्मल उसके लिए। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स आपको जो सिंपली विदाउट प्रेसिंग F3 आपके स्क्रीन पे जो कोऑर्डिनेट्स शो होते हैं छोटे छोटे, ये जो कोऑर्डिनेट्स, बस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड डेज, ये कैसे शो होंगे मैं आपको सब चीज़ें अभी डिटेल में बताता हूँ। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा एक नया वर्ल्ड क्रिएट करके कैसे करके चीज़ें करनी है। बिल्कुल बहुत ही इजी स्टेप है, 2 मिनट का काम है, जस्ट 2 मिनट में आपकी सारी चीज़ हो जाएंगी, 2 मिनट में आपका मतलब कोऑर्डिनेट्स 2 मिनट के अंदर शो हो जाएंगे जस्ट। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाला हूँ, जल्दी से एक नया वर्ल्ड क्रिएट करूंगा, नया वर्ल्ड क्रिएट करूंगा, उसका नाम कुछ भी रख दो, न्यू वर्ल्ड ही रहने दो आप, या फिर कुछ भी रख लो, क्रिएट न्यू वर्ल्ड। तो आपका वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, जस्ट आपको वेट करना है थोड़ी देर के लिए। ओके, जस्ट हो गया क्रिएट आपका वर्ल्ड, ये मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। तो जस्ट आपको क्या जाना है, एस्केप करना है, सेव एंड क्विट करना है, सिंगल पेज में अगेन जाना है, और जो आपने वर्ल्ड क्रिएट किया है या फिर जो आपका ऑलरेडी वर्ल्ड क्रिएटेड है उसके अंदर जाके आपको करना है एडिट, फिर आपको क्या करना है, ओपन वर्ल्ड फोल्डर। ओपन वर्ल्ड फोल्डर करेंगे तो आपका जो होगा वर्ल्ड का फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए एक फाइल दी हुई है, उस फाइल को जस्ट आपको जिप फाइल को डाउनलोड करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे एक जिप फाइल को डाउनलोड करना है। जस्ट डाउनलोड द जिप फाइल फ्रॉम बिलो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आपको जस्ट आपने डाउनलोड कर लिया एंड आपने को डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में जाएंगे आपको डाउनलोड में फर्स्ट नंबर पे आपको फाइल मिलेगी क्योंकि आपके फर्स्ट डाउनलोड होगा, बट मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मेरी एरी बैटरी कोऑर्डिनेट्स के नाम से फाइल है, इसको करना है कॉपी करना है, बैक जाना है, और आपके जो डाटा पैक वाला जो वर्ल्ड का फोल्डर है उसके अंदर एक डाटा पैक नाम से फोल्डर होगा, ये ध्यान रखिए, डाटा और डाटा पैक अलग अलग चीज़ें हैं, तो डाटा पैक नाम से फोल्डर होगा, डाटा पैक्स नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर जाना है, इसको कंट्रोल वी पेस्ट करना है, देन क्या करना है इसको, देन इस फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है, क्या कर देना है, यहाँ पे इस फाइल को जाके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर जो है यहाँ पे होगा, आपको या तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना, जस्ट जाना है एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया, एंड देन आपको इसको बंद कर देना है। अब आपको वापस आना है, कैंसिल करना है, अपने वर्ल्ड में जाना है, एंड जस्ट आप देखिए आपके कोऑर्डिनेट्स शो हो जाएंगे आपको, ये आपके कोऑर्डिनेट नीचे शो हो रहे हैं, देखो आपके आपके अब यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे मेरे को 0 दिन हुआ, 1 दिन भी नहीं हुआ मेरे को, अभी जस्ट वर्ल्ड बनाया तो इसमें 0 डेज दिखा रहा है, डी वाई जो आपके डेज दिखाता है कि कितना दिन आपके माइनक्राफ्ट के कितने डेज आप स्पेंड कर चुके हो, और वो एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट्स है। इतना ईजी है इसको, मतलब जो भी है
इतना इजी है इसको सेटअप करना कोऑर्डिनेट्स को, जस्ट बहुत हेल्पफुल रहता है कोऑर्डिनेट, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना, एंड मतलब और भी कंटेंट आता रहेगा माइनक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी देखते हैं फ्यूचर में, जो भी अभी तो मैंने मतलब जस्ट मैंने देखा बंदों ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरीके दे रखे थे कि हाँ भाई ये करना है वो करना है, मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको फाइल अपने वर्ल्ड में डालना है डाटा पैक्स के अंदर, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है उसको उस फोल्डर को क्लोज करना है, देन आपको अपने वर्ल्ड में आना है एंड वर्ल्ड में जाके एंटर करना है, और आपके कोऑर्डिनेट्स शो हो जाएंगे। जस्ट ये तरीका है। तो गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द वीडियो, सॉरी स्ट्रीम कह रहा हूँ क्योंकि बहुत रोज स्ट्रीम करता हूँ तो उसकी आदत पड़ चुकी है। तो गाइज थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में और एक और न्यू लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी या टाटा पीस।